हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमर जोन। मैं मोहम्मद शफ़ी आपका इलस्ट्रेटर हिंदी ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। और ये हमारा इलस्ट्रेटर हिंदी ट्यूटोरियल्स का पार्ट 14 है। इस ट्यूटोरियल में हम ऑनलाइन मीट शॉप का लोगो डिज़ाइन करेंगे। मैं अपने व्यूवर्स से माफ़ी चाहता हूं जो वेजिटेरियन है, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में हम नॉनवेज ग्राफिक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम इलस्ट्रेटर का एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो उसके लिए फाइल में जाकर न्यू पर क्रिएट क्लिक कीजिए। फाइल का नाम देंगे लोगो डिज़ाइन ऑफ ऑनलाइन मीट शॉप। ओके, 8 इंच विथ होगा और 8 इंच हाइट होगा। RGB जो है उसका मोड होगा, कलर मोड। ये हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया और बड़े ही तेज़ी के साथ जो है हम जो है एक बहुत खूबसूरत कॉरपोरेट प्रोफेशनल लुकिंग लोगो जो है Adobe Illustrator CS6 में बनाएंगे। तो उसके लिए शेप टूल में जाकर रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल कीजिए और उसका शॉर्टकट M है। Alt और Shift प्रेस करके जो है इसको डुप्लीकेट कीजिए, फिर Ctrl D दबाइए। तो ये आपने 3 ब्लॉक्स जो है वो डुप्लीकेट हो गए। Ctrl G दबाइए ताकि सारे ग्रुप हो जाए। सिलेक्ट करके Ctrl G और ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप, ओके, उसका शॉर्टकट Ctrl G है। थोड़ा सा साइज और बड़ा कर लेंगे। आप यहाँ पे जो है अलाइन टू आर्टबोर्ड हमारा चेक होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, हॉरिजॉन्टल अलाइन, वर्टिकल अलाइन सेंटर। ओके, तो ये हमारे 3 बॉक्स बन गए। तीनों को सिलेक्ट कीजिए। पहले तीनों को सिलेक्ट करके इनका आउटलाइन हम नन कर देंगे। आप पहला बॉक्स सिलेक्ट करके उसको एक कलर दीजिए। बाकी 2 भी सिलेक्ट कीजिए और आई प्रेस कीजिए। आई जो है आई ड्रॉपर टूल के लिए है। और दोनों सिलेक्ट करके जिस शेप्स की प्रॉपर्टी आपको इनहेरिट करनी है, जिस शेप की प्रॉपर्टी आपको कॉपी करके दूसरे शेप में लेनी है, तो उसके लिए आप आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल करके उस शेप पर क्लिक कीजिए। तो सारे कलर एक हो गए। अभी जो है ये जो है एक ऑनलाइन फूड शॉप है। ये जो है फूड्स, खाने पीने से रिलेटेड जो है लोगो बनाना है। तो उसके लिए हम फूड में जाएंगे, बीवरेजेस का जो है स्वेच पैनल ओपन करेंगे। सबसे पहले ग्रीन कलर सिलेक्ट करेंगे, ग्रीन। फिर उसके बाद जो है ऑरेंज, ये है तुम्हारा ऑरेंज। फिर उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो फ्रूट का शॉप स्वेच पैनल ओपन होगा। उसमें हम रेड कलर ले लेंगे, हल्का वाला। ये अलग, एक अलग किस्म का रेड है, प्योर रेड नहीं है ये, टोमेटो रेड नहीं है। देखो, टोमेटो रेड और ब्लड रेड इसको कहते हैं। तो ये एक अलग किस्म का रेड कलर है जो आपको फ्रूट्स, ये एक फ्रूट के रिलेटेड रेड कलर है। ओके, ये हमारा जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया लोगों के लिए। अब जो है पहले वाले में जो है हम चिकन डालेंगे, दूसरे वाले में हम जो है गोट का जो है आइकन डालेंगे और तीसरे वाले में हम फिश का आइकन डालेंगे। तो उसके लिए गूगल में जाएंगे और टाइप करेंगे आप इमेजेस में जाकर चिकन सिलौटी सिलौट, और इसको ये जो है चिकन का इमेज जो है हम कॉपी करेंगे, ओपन करेंगे इसको। और इसका इमेज भी हम ले सकते हैं, ये चिकन का इमेज लेंगे, इसको व्यूव करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कॉपी इमेज करेंगे। इलस्ट्रेटर में आके Ctrl V करके पेस्ट करेंगे। और आप इस तरह से भी पेस्ट कर सकते हो, एडिट में जाके पेस्ट। ओके, और शॉर्टकट उसका Ctrl V है। अब जो है यहाँ पे एक ऑप्शन है इमेज ट्रेस का ऑप्शन, ये जो है आपको प्रॉपर्टी बार में मिलता है। अगर आपका प्रॉपर्टी बार ओपन नहीं है, ये है आपका कंट्रोल्स जो है आपका प्रॉपर्टी बार फोटोशॉप में उसको कहते हैं, इलस्ट्रेटर में उसको। तो अगर आपका ट्रेस टूल का ऑप्शन ओपन नहीं है तो कंट्रोल में जाकर, विंडोज कंट्रोल में जाएंगे आप तो आपको ट्रेस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ जाके इसको, बहुत सारे ऑप्शन है ट्रेस करना, मतलब किसी भी चीज़ को वेक्टर में, किसी भी इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट करना, जो रास्टर है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना। और जब आप उस किसी भी वेक्टर को, आप रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करते हो तो उसका साइज जो है आप कितना भी बड़ा कर सकते हो। तो इसको जो है ये एक रास्टर इमेज है, अभी हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो है हम ऑप्शन ब्लैक एंड व्हाइट लोगो का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है ये, क्योंकि इमेज हम ब्लैक में, इसलिए हम ब्लैक एंड व्हाइट लोगो ट्रेस का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ट्रेस हो गई।
इसके ऑप्शंस में जाके हम जो है इसका थ्रेशोल्ड बड़ा कम कर देंगे और इसका पैथ जो है बढ़ा देंगे, कॉर्नर का ये बढ़ा देंगे और नॉइस बढ़ा देंगे। अब ये इमेजेस के कॉर्नर्स बराबर जो है सारे सामने आ गए। अब इसको एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड करने के बाद इसको हम ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप करेंगे। अब वाइट सेक्शन सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब जो है इसको अनग्रुप करने के बाद वाइट सेक्शन डिलीट करेंगे, वाइट कलर का जो भी सेक्शन है, जो भी शेप है उसको डिलीट करके। तो ये हमारी हैन, हैन यानी मुर्गी तैयार हो गई। इसको हम, हमारी चिकन तैयार हो गई है, इसको हम इसमें रखेंगे ग्रीन बॉक्स में और इसका कलर हम वाइट देंगे, ठीक है। अब सेकंड जो बॉक्स है, सेकंड जो रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है, वो जो है हमारा गोट है। तो GOAT गोट, एंड हियर इज आवर गोट, ओपन द गोट एंड उसको कॉपी दिस गोट एंड देन पेस्ट दिस गोट इन एडोबी इलस्ट्रेटर, देन क्लिक ऑन ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ट्रेस ऑप्शन एंड नाउ गो टू इमेज ट्रेस ऑप्शन, डिक्रीज इट्स थ्रेशोल्ड वैल्यू, इंक्रीज इट्स पैथ वैल्यू एंड कॉर्नर्स वैल्यू एंड नॉइस वैल्यू, सो दैट वी कैन गेट द शेप, प्रॉपर शेप ऑफ हेयर्स। ओके, ओके, नाउ इट्स फाइन, इट्स परफेक्ट। क्लिक ऑन एक्सपांड बटन और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट में जाके इसको अनग्रुप कीजिए, वाइट सेक्शन सिलेक्ट करके वाइट सारा डिलीट कीजिए और ये हमारी गोट तैयार हो गई। इसका शेप, इसका हाइट और विथ छोटा कीजिए और इसको जो है रखिए ऐसे सेंटर में इस स्क्वायर के और इसका कलर वाइट कीजिए। तो गोट भी तैयार हो गई, चिकन भी तैयार हो गया। अब बचा हमारा फिश, तो फिश स्लॉट वेक्टर आप सिलेक्ट करें, ये रही हमारी फिश, इसको ओपन कीजिए और इसको कॉपी कीजिए और इसको पेस्ट कीजिए और फिर उसके बाद इसको ट्रेस कीजिए, इमेज ब्लैक एंड व्हाइट लोगो ट्रेस, फिर इसको एक्सपांड कीजिए, फिर इसको वाइट पोर्शन डिलीट कीजिए, यहाँ पे जाके इसका ये वाइट डिलीट कीजिए। इसकी आइज जो है छोटा करने के बाद मेरे ख्याल से बराबर नहीं दिखेगी, तो इसके लिए इसकी आइज को जो है हम थोड़ा राउंड शेप देके गोल करेंगे, क्योंकि अगर इनकेस कभी प्रिंटिंग में अगर हमको ये देना पड़े तो प्रिंटिंग में इसका आइज जो है लोगों का बहुत छोटा दिखेगा, तो इसके लिए बड़ा आइज लिया एक। अच्छा, अभी जो है आइज इसके अंदर से सबस्ट्रैक्ट करने के लिए जो है इसको भी सिलेक्ट करेंगे और ये जो आइस है इसके, है ना, ये आइस पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर इसका फिश को सिलेक्ट करेंगे, विंडोज में जाएंगे, पाथ फाइंडर है उसमें जाके इसको डिवाइड करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट में जाके इसको अनग्रुप करेंगे। अब इसकी आंख भी हमारे पास आ गई। ओके, अब इसको हम वाइट कलर देंगे, है ना। अब आप विंडोज में जाके रूलर का ऑप्शन है यहाँ पे, सॉरी व्यूज में जाएंगे तो आप रूलर का ऑप्शन है, शो रूलर्स, उसके लिए शॉर्टकट कंट्रोल आ रहे, रूलर्स लेकर इनका टॉप बॉटम अलाइनमेंट चेक करेंगे, तो इस ताकि ये दिखने में सब बराबर दिखे, थोड़ा अच्छे लगे, ठीक है। तो फिश का जो है हाइट हम ज्यादा ऐसा इस तरह इंक्रीज नहीं कर सकते, नहीं तो उसका शेप खराब हो जाएगा, है ना, ऐसा करेंगे तो उसका शेप खराब हो सकता है, थोड़ा सा उसका इंक्रीज करके अब जो है हम यहाँ पे एक वाटर का पानी का बूंद बना देंगे, ठीक है। उसके लिए कैसा करेंगे, पी टूल है, पेन टूल सॉरी, उसका शॉर्टकट पी है, ठीक है, और इसको हम ऐसा कर देंगे, इसका हाइट हम कम कर देंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट करके एडजस्ट करके, है ना, ये हो गया हमारा, कुछ थोड़ा देखेंगे इसको एडजस्ट करके, ठीक है, चलेगा ये, थोड़ा सा छोटा कर ले, है ना। हाँ, ये भी हमारा बेसिक तैयार हो गया लोगों का स्ट्रक्चर,
हम ये कर सकते हैं, इसको ग्रुप किया और ये तीनों को थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, अभी ये बराबर हो गया। अभी एक एक बॉक्स को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाकर ग्रुप, उसका शॉर्टकट कंट्रोल जी, तो ये भी सब ग्रुप हो गए, है ना, ग्रुप हो गए। अब जो है हमारा कंपनी का नाम टाइप करेंगे, उसके नाम के लिए क्या है, ऑनलाइन मीट शॉप, ओके। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, इसका जो है अपर केस इसको करेंगे, इसको इधर रखेंगे, थोड़े बहुत फॉन्ट के साथ खेल के देखेंगे कौन सा फॉन्ट अच्छा लगता है इस पे। कॉर्बेल फॉन्ट जो है इस पे अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा बोल्ड करके देखते हैं, बोल्ड भी अच्छा लग रहा। ऑनलाइन सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल और शिफ्ट दबा के जो कलर चाहिए वो कलर फिल हो गया। अब इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, इसलिए थोड़ा डार्क ग्रीन करेंगे। अब बचा मीट शॉप का लोगो, उसको सिलेक्ट करके वो रेड कर देंगे, ये ग्रीन थोड़ा अलग ग्रीन इसको करेंगे, ये वाला ग्रीन करेंगे, ब्राइट वाला ग्रीन जो ब्राइट भी है और डार्क भी है ना। अब इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, अभी जो है एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे पेन टूल से, उसका शॉर्टकट पी है, और ये पी के टॉप से पी के एंड तक, और ये देखेंगे यहाँ पे ग्रीन इसका कलर फिल है, तो इसका फिल जो है हमको रिवर्स करना रहेगा, तो यहाँ पे डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अपना स्वैप हो जाएंगे कलर, जो कलर फिल है वो आउटलाइन का कलर हो जाएगा और जो आउटलाइन का कलर है वो फिल का कलर हो जाएगा। इसका ब्लैक स्ट्रोक को हम जो है ग्रे करेंगे, लाइट ग्रे, और मैं सोचता हूँ 60% ग्रे करना बेहतर है, ठीक है। अब जो है हम जो है इसका नाम टाइप करेंगे, इसके लिए ये फ्लैग करेंगे टेक्स्ट ऑनलाइन मीट शॉप का, और एडिट में जाके कॉपी, फिर उसी को ही पेस्ट करेंगे, उसका बोल्ड हटा देंगे, रेगुलर करेंगे, उसका साइज जो है 10 का कर देंगे, उसको हम कॉपी करके यहाँ पे लाएंगे, सेम आल्ट दबा के शिफ्ट दबा के इसको डुप्लीकेट करेंगे। अब जो है इसमें टाइप करेंगे हम फ्रेश मीट, ओके, फ्रेश मीट बाय हियर, या फिर फ्रेश मीट ऑनलाइन शॉप, या फ्रेश मीट एक स्लोगन या पंचलाइन हम बनाएंगे, तो फ्रेश मीट शॉप ऑनलाइन, ओके। तो दो बार ऑनलाइन आ गया, तो देखेंगे उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल इसको भी बोल्ड करेंगे, हाइट इसका थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा ड्रॉप डाउन में लेके, ये स्लोगन डबल डबल ऑनलाइन हो गया, दो बार आ गया ऑनलाइन, तो फ्रेश मीट अवेलेबल हियर, है ना। तो ये थोड़ा हमारा अभी स्लोगन अच्छा बना, आई ड्रॉपर टूल लेके स्ट्रोक का कलर ग्रे करेंगे, सॉरी अवेलेबल हियर का कलर ग्रे करेंगे, और ये हमारा बन गया लोगो, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए,
और मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत लोगो बन गया अभी हमारा ये रूलर से लेके यहाँ पे ऐसे एक रूलर लगाएंगे और ये देखिए हमारा ई बाहर हो गया है ना। छोटी छोटी चीज़ों से परफेक्शन आता है, छोटी छोटी चीज़ों से परफेक्शन आता है। इसी तरह एक रूलर इधर लगाएंगे और ये आ गया परफेक्शन, है ना। छोटी छोटी चीज़ देखते रहना और ये बहुत ही खूबसूरत लोगो बन गया। अब ये लोगो बेच दो आप 1000 रुपये में, 1500, 2000, 5000 में भी बेच सकते हो, है ना। आप खुद के लोगो बनाओ। अब जो है इसको ऊपर ले जाओ, इसको डुप्लीकेट करो कंट्रोल डी दबा के। आप ये जो अंदर है आपके, आप इसको डिलीट करो और इसके अंदर भी जो है आप अभी अगर आप ये ट्रैवल वाले के लिए बना रहे हो तो एक नाम ले लो जैसे कि ग्लोबल ट्रेवल्स, है ना। ये ग्लोबल ट्रेवल का लोगो बना, कंट्रोल टी दबाएंगे आप तो टेक्स्ट का प्रॉपर्टी ओपन होगा और वो प्रॉपर्टी आपका टेक्स्ट का, अगर आपने टी प्रेस किया है, टेक्स्ट टूल सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे, यहाँ से भी आप कैरेक्टर और टेक्स्ट का प्रॉपर्टी ओपन करके इन लोग का बीच का गैप जो है इसको कहते हैं आप सेट द ट्रैकिंग फॉर द सिलेक्टेड कैरेक्टर्स, कितना ट्रैकिंग हो, ट्रैकिंग गैप कितना हो, तो मैंने डाला 100, है ना। तो इसको सिलेक्ट करो कैरेक्टर में आके, इसको करो 100, तो देखो गैप बढ़ गया है ना, कंट्रोल टी का उसका शॉर्टकट है। और इसको करो 75। अब ट्रैवल का जब बना रहे तो यहां पे करेंगे टिकेट्स और इसकी भी ट्रैकिंग बढ़ा देंगे। है ना, टिकेट्स बुकिंग ऑनलाइन, ग्रेट, बहुत जबरदस्त लोगो बनने वाला है ट्रैवल एजेंसी का। ओके, अब इसके अंदर जो है हमको जिस तरह ये फूड्स का, ये जो है फूड्स कहते हैं, फूड्स के लिए ये थीम थी। अब जो ट्रैवल एजेंसी का जो कॉरपोरेट कंपनी है, स्वेच लाइब्रेरी में जाएंगे, कॉरपोरेट का एक पैनल है, कलर स्वेच है, उसको सिलेक्ट करेंगे तो कॉरपोरेट के लिए देखें कौन कौन से कलर अवेलेबल है। इसको ब्लू किया और इसको ग्रे किया, ग्रेट। ये कलर्स, कुछ और कलर्स देखें कौन सा है कलर, ब्राइट कलर, रेड कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन भी यूज कर सकते हैं, है ना। अब इसको जो है हम इसका कलर हम ग्लोबल का ग्रीन करेंगे, रेड करेंगे और इसका हम कलर करेंगे ब्लू। और फिर ये जो टिकेट्स है इसका कलर तो ग्रीन है ही, है ना। तो ये ग्लोबल ट्रैवल का भी लोगो तैयार हो सकता है, फिलहाल अभी टाइम नहीं है इसलिए दो लोगो बनाता हूँ क्योंकि ट्यूटोरियल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब जो है इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आप हमारे नेक्स्ट जो ग्लोबल ट्रैवल्स का जो लोगो बनाना है उसके लिए आप हमारा पार्ट नंबर जो है ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 15 देखें, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा लोगो डिज़ाइन करना मीट शॉप का, ठीक है। और तमाम जो है पूरे इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल्स के लिए जो है आप इलस्ट्रेटर हिंदी ट्यूटोरियल्स की 2 DVD ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें आपको 100 से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स है, सारे क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स है। और आप उमर जोन पर भी जो है रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को और उमर जोन पे भी आप जो है इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और वहाँ से भी जो है आप ये DVDs को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल्स है और वेबसाइट डिज़ाइनिंग की DVDs है जिनमें हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। इस और आप मेरे वीडियो को जो है YouTube चैनल पर भी आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।